ओके गाइस, यही है हम लोग का हरे कृष्णा टेम्पल इन अमीन गांव। आपका नाम क्या है? तुम लोग यूट्यूब पे आ जाओगे, ठीक है? ऑलराइट गाइस, फाइनली आपका भाई टीला कटवा लिया। शाम का टाइम, जैसे कि देख सकते हो अभी सनसेट का टाइम हो रहा है। तो चलिए आज के इस वाले ब्लॉग में गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो आप लोग एंड तक देखना। तो गाइस देख सकते हो हमने यहाँ पे अपना गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया एंड अभी जहाज पूरा फुल नहीं हुआ, मतलब 50% फुल हुआ, तो ये जहाज पूरा फुल होगा। एंड आप लोग वेदर देख सकते हो गाइस। तो राज भाई का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भाई, सब लोग उसको विश कर देना कमेंट पे। तो चलो पार्टी देगा कि नहीं? बिल्कुल पार्टी देगा, जरूर पार्टी देगा। सुन के अच्छा लगा। फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग का जहाज स्टार्ट हो चुका है। मनीष भाई तुमको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो गाइस मनीष भाई पहले भी हमारे ब्लॉग में आ चुका है, तो आज भी आए हैं, बहुत ही मजा आएगा। एंड तीन दोस्त भी है, तो उन लोग को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो गाइस आप लोग लुक एट दिस, इस वाला व्यू को देखिए गाइस, सिर्फ मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और धमाकेदार वीडियो उसके लिए। एंड गाइस क्या ही बोलो भाई, काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है गाइस। आप लोग यहाँ पे आना तो पूरा जैकेट वैकेट पहन के आना, नहीं तो भाई हालत पपट हो जाएगा। ओह माय गॉड गाइस, क्या ऑसम सा व्यू है। एंड आप लोग ये वाला व्यू देखिए। A few minutes later. All right guys, हम लोग finally हरे कृष्ण टेम्पल अमीन गांव में आके पहुंच गए। तो यहाँ पे आने का जो रोड है ना गाइस, बहुत ही मक्खन है। तो मनीष भाई बोल दो एक बार रोड कैसा है। मक्खन मक्खन एकदम, मनीष भाई तो पूरा एकदम फार फूर के आया, तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस, दिल से अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार आइए, तो अभी हम अंदर विजिट करेंगे, तो दिखाएंगे आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ओके गाइस, तो मैं आपको मंदिर का गेट दिखाने के लिए थोड़ा बाहर के साइड आया। एंड बाहर का साइड देख सकते हैं गाइस कितना ज्यादा क्राउड है, मतलब एकदम दूर से यहाँ तक पूरा गाड़ी का लाइन है। मतलब ये वाला जो मंदिर है ना गाइस, बहुत ही ज्यादा फेमस है हरे कृष्णा टेम्पल में। आपको एक बार गेट अच्छे से दिखा देता हूँ, बहुत लोग उबेर या फिर प्राइवेट गाड़ी लेके मतलब आते हैं बहुत दूर दूर से। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टूरिस्ट परमिट, बहुत दूर दूर से गाइस टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। बहुत ही फेमस सा मंदिर है। एंड यहाँ का जो आसपास का जगह है ना गाइस, काफी गांव टाइप का है। एंड हम लोग जो आए ना गाइस, रोड भी बहुत ही मक्खन जैसा रोड है, मतलब हम लोग तो पूरा फार फूर के आया। मनीष भाई हम पूरा फार फूर के, एकदम रोड जो है ना एकदम ओपी वाला रोड है। तो यहाँ पे बहुत लाइटिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस अच्छा ही हुआ हम लोग रात के टाइम पे आया। ओके गाइस, हम लोग एकदम मंदिर का बीचों बीच में आके पहुंच गए। तो अभी मैं आपको 360 व्यू दिखाऊंगा, कमेंट करना कैसा लगा। यहाँ पर है राज भाई, राज पाल जिसका बर्थडे है, बर्थडे बॉय। तो बर्थडे बॉय कुछ बोल दो हमारे ब्लॉग में। बोल चुके हैं तो हम हरे कृष्ण मंदिर में इतना मन कर रहा था आने के लिए, तो हम फाइनली आके पहुंच चुके हैं। तो हरे कृष्ण जब भगवान हमको मन में बुला रहा है, गार्डन है, बहुत ही अच्छे से लाइटिंग डेकोरेशन करके रखा है। ओके गाइस, हम राज भाई और मनीष भाई ने यहाँ पे जूता रख दिया, तो बदले में हमको ये वाला टिकट दिया, मतलब 5 शू ₹5 करके। तो हम लोग का मतलब 3 सेट शू है, तो हम लोग का ₹15 देना होगा आने के टाइम पे। आप लोग आके जूता रख लेना, तो फिर पूरा सेफ रहेगा। तो चलो अभी हम अंदर विजिट करेंगे। जय श्री कृष्ण गाइस, तो हम फर्स्ट टाइम लाइफ में अंदर विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत एको मरता है साउंड, मतलब रूम कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एको मरता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से दिखाएंगे। एंड सीढ़ी भी काफ़ी बेहतरीन से डिजाइन होकर रखा है, मतलब पूरा साफ सुथरा के साथ, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये रहा आपका अमित भाई आईने में, तो ये रहा हम लोग का सामने हरे कृष्ण मंदिर इन अमीन गांव। ओके गाइस, यही है हम लोग का हरे कृष्णा टेम्पल इन अमीन गांव। तो यहाँ पे जाके ना गाइस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं अंदर घुसने से पहले आपको एक बार
इसका चारों ओर क्या क्या है आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो इसका चारों ओर भाई बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह है। तो गाइस ये मतलब जगह में आके ना मेरे को पूरा दिल से अच्छा लगा, आप लोग भी एक बार आइए, मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार आइए अपने लाइफ पे, सच में बोल रहा हूँ गाइस बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मतलब पूरा एकदम मन जो है ना एकदम अंदर से फ्रेश हो जाएगा, अगर मन फ्रेश है तो सब कुछ फ्रेश है। तो आज बहुत लोग आए हैं, अभी हो रहा है रात का टाइम, कुछ 6:30 के आसपास हो रहा है। तो अंदर जाके तिलक कटवा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, एंड बैकग्राउंड में बहुत सारा गाना बज रहा है, अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना भाई के लिए। तो चलो अभी हम अंदर विजिट करेंगे। ऑलराइट गाइस, फाइनली आपका भाई तिलक कटवा लिया, तो कैसा लग रहा है कमेंट करना। तो बहुत दिन से गाइस ड्रीम था, बहुत सारा लोगों के स्टेटस में या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी में देखता था कि ऐसे ऐसे लगवाते हैं, तो आज आपका भाई फाइनली लगवा लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग तो मेरे चेहरे में ये मतलब स्माइल देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो आप लोग भी एक बार आइए गाइस, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, एंड फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। एंड यहाँ पे अभी कीर्तन वगैरह हो रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तो हम लोग बाहर चल जाते हैं। तो चलो, तो गाइस वहाँ पे बुक्स बिकने वाला एक बच्चा था, वो बच्चा मेरे को बोल रहा था यू आर यूट्यूबर, हमने बोला हाँ भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ऐसा ऐसा नाम है, आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आपका नाम क्या है? हाँ, तुम लोग यूट्यूब पे आ जाओगे, ठीक है, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। बुक्स मन नहीं लगे हमको, मेरे सब्सक्राइबर लोगों को बोल दिया अगर कोई लोग आते हैं हमारा वीडियो देखे तो वो ले लेगा, ठीक है, ओके। गाइस ये पे जो खीर मिलता है ना गाइस सच्ची में बोल रहा हूँ बहुत ही टेस्ट है, ये सिर्फ यही पर आपको मिलेगा हरे कृष्णा टेम्पल में आमिन गाँव में, बाकी और कोई भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसके कलर भी देख सकते हो गाइस, खाने में भी बहुत टेस्ट है, एकदम भगवान के मंदिर में आके गाइस झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ही टेस्ट है, आप लोग आओ एक बार, मतलब प्रसाद खाने के लिए नहीं मंदिर दर्शन के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए आओ एंड प्रसाद भी खा के जाओ। चलो ओके, तो गाइस तो यहाँ पे जो है फ्री में खाना दे रहा है, मतलब प्रसाद दे रहा है भगवान का, तो हमने मुनीश भाई ने ले लिया, मुनीश भाई तो पूरा बहुत भूख लगा है मुनीश भाई को, इसलिए खा रहा है, तो खाओ खाओ।